हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं गोंद के लड्डू, मतलब बिन खोए के लड्डू। आप कैसे बना सकते हैं घर बैठे, और कम से कम समय में बना के आप स्टॉक में भी रख सकते हैं। और किसी को भी कितनी भी कमजोरी हो, कितना भी इंसान कमजोर हो रहा है, कितना भी उससे कमजोरी महसूस हो रही है, उसकी सारी कमजोरी भाग जाएंगी। आप एक बार बना के खिला दें, या खुद को हो रही है कमजोरी तो आप खुद भी खा सकते हैं। और ध्यान से मेरी वीडियो देखें, और पूरी वीडियो देखा आपको जरूर लाभ मिलेगा इस वीडियो का। आप जरूर बनाएं एक बार। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान से करें, जो मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंचे। आप कढ़ाई, और इसमें मैं पहले भूजूंगी बेसन, क्योंकि घी नहीं लगाऊंगी, इसमें घी जल जाता है तो उसमें फिर कोई फायदा नहीं रहता। तो घी मैं बेसन को भूनने के बाद ही डालूंगी इसमें। तो आप चलो दिखाते हैं। ये मैंने लिया है आधी किलो बेसन, आप देख सकते हैं ये मैंने लिया। और मैं इसे इतनी हल्की धीमी गैस पे, कि ये तेज गैस में ये जल जाएगा, इसलिए मैं हल्की गैस पे ही इसे, आप देख सकते हैं ये मेरा भुन चुका है बेसन अच्छे से, कितना काला काला सा हो गया है आप देख सकते हैं इसे। बस अब इसमें ना, ऐसे आप देख नहीं सकते, तो आप एक बार इसमें लेके खुशबू सूंघे, आप खुशबू आने लगेगी तभी समझ जाए आप कि हाँ हमारा बेसन भुन के तैयार हो गया है। तो इसी तरीका से आपको भूनना है। हमें बस इसे अपनी परात में, मतलब चाहे बाद में छाने, अब मैं इसमें से निकाल दी जा रही हूँ और इसे इसी तरीका से छान लूँगी, क्योंकि इसमें ये जो कंकड़ी सी बन गई है जी, ये बेसन की, तो वो इसमें क्या है, ये निकल जाएंगे। ये मैं उंगलियों से फिर मतलब बाद में इसे फोड़ दूँगी। ये मैंने छान लिया, ये देख सकते हैं अब, ये फोड़ के फिर दोबारा से छान लूँगी। अब इसमें ये मैं मखाने भूंजूंगी, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने साफ करके रख लिए हैं, अब ये मैं भूंजूंगी। इसमें जाएगा एक चम्मच घी, और तो इसमें बाद में डालूंगी घी वगैरह, क्योंकि लिया है हमने 2.5 से 1 पाव ये वो है गोंद। मैं इसे अभी भूंजूंगी, आपको दिखाऊंगी। और ये है 100 ग्राम बादाम, ये देख सकते हैं अभी ये मेरी कढ़ाई जल गई बहुत तेज की, मैंने देख नहीं पाया, थोड़ा बाबू रो गया था, मैं बाबू को देखने लगी थी। अभी इसमें जाएंगी ये मखाने, ये अच्छे से भुन चुके हैं, ये देख सकते हैं ये अच्छे से भुन चुके हैं, मतलब कितने मोटे मोटे थे ये देखो, भुन के ये कितने छोटे छोटे से हो गए हैं। अभी ये मैं मिक्सी में करूँगी इनका, मतलब दलिया सा बनाऊंगी, दरदरी से करूंगी, बारीक नहीं करूंगी। अब मैं अभी इसमें तेल लगाऊंगी, तेल में भूनूंगी गोंद, क्योंकि घी में नहीं भूनूंगी, घी जल जाता है ज़्यादा, इसलिए तेल में भूनूंगी, बाद में घी डालेंगे। इधर ये हो रहा है, जब तक गर्म तब तक अपना गोला को कद्दूकस कर देते हैं। इधर हो चुका है ये तेल गरम हमारा, अब इधर ये जाएगा गोंद, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये गोंद। ये मैंने रख दिया है निकाल के सारा, थोड़ा थोड़ा से डालेंगे, एकदम ना डालेंगे क्योंकि फिर अच्छे से फूल नहीं पाएगा। देखते हैं इतना इतना डाल के, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गया है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है, फूल चुका है ये, अच्छे से फूल चुका है ये, देख सकते हैं इसमें भी फूल लाई, थोड़ा थोड़ा ही डालें क्योंकि एकदम ज़्यादा। मैं इसमें डालूंगी ये बादाम, इसमें भून लूंगी। इसी में मैंने ये डाले हैं थोड़े थोड़े बस भून। अब मैं डालूंगी इसमें, मिक्सी में पीसूंगी इसे, ये ना अच्छे से पीस जाएंगे। ये इसमें रख लिया है गोंद फूला हुआ,
मैं ये मिक्सी पे पीसने चाहिए। ये देख सकते हैं आप, इस तरीका से पिस के ये गोंद हो जाता है बिल्कुल। ये लग रहा है कि गुड़ हो गया ये पिस के। और मैं बस ये निकाल ले रही हूँ किसी बर्तन में, फिर आपको और ये फिर बादाम पीसेंगे। डालिए गोंद पीस लिया, मैं इसी में डालिए बादाम। अब ये भी मैं पीस ले रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये बादाम में क्या चूरा बना है इसका। इसके अगर पीस के डालो ना मेवा वगैरह तो बहुत ही अच्छे बनते हैं लड्डू। क्या है ये साबुत डालो तो खाने में भी दिक्कत होती है, इसलिए पीस के डालो तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो मैं तो जब भी बनाती हूँ तो मैं तो पीस के ही डालती हूँ, तभी बनाती हूँ। मैंने लिया है एक है ये गोला, ये मैंने फोड़ लिया है, ये देख सकते हैं आप। और ये मैं करूँगी कद्दूकस, ये फिर उस इस आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, आप ध्यान से देखिए। इस तरीक़े से देखिए आप, कर रही हूँ मैं कद्दूकस। मैंने कर ली गोले को, कर लिया कद्दूकस। अब ये आप जैसे चाहें तो काट के भी मिक्सी में पीस सकते हैं, और कद्दूकस के भी मतलब कर सकते हैं आप जैसे भी आप करना चाहें। मैंने थोड़ा इससे मोटे की तरफ से कद्दूकस का ही किया है। अब मैं इसका बुरादा बनाऊंगी, गरी इस गोले का मैं बुरादा बनाऊंगी। ये मैंने कर लिया है कद्दूकस, ये मेरी कद्दूकस करी हुई है आप देख सकते हैं। और बस अब मैं ये है मेरे पास मिक्सी, अब मैं इसमें कर दूँ इसे कर दूंगी बुरादा बना लूँगी इसका, अच्छे से बुरादा बन जाएगा। फिर उसमें बेसन में और मतलब गोंद में पता नहीं चलेगा कि मतलब गरी पड़ी है या क्या। और आप अगर ऐसा भी रखना चाहें तो ऐसा भी रख सकते हैं। तो मैंने ये बना लिया इसका बुरादा, आप देख सकते हैं ये बन चुका है बुरादा इसका, ये बुरादा बन चुका है गोले का। अब बस ये सब तो ये मेरे पास रखी हुई थी दक्षिणी मिर्चें, ये हैं बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग के लिए, निगाह के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये भी मैं डालूँगी इन जो भी मेवा के लड्डू बना रही हूँ मैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इसे बहुत ज़रूरी होता है, सर में दर्द वगैरह है और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये मैंने इधर मैंने ये गोली को पीस लिया था मिक्सी में, ये बुरादा बना लिया था। ये मैंने कुछ बादाम थे ये मैंने पीस लिए थे, और इसी में ये मैं डाल दूँगी। इसे बोलते हैं दक्षिणी मिर्ची बोलते हैं, और फिर पता नहीं कहाँ पे क्या क्या बोला जाता है, पर हमारे यहाँ पे तो दक्षिणी मिर्चें बोला जाता है। सफ़ेद वाली हैं ये मिर्चें, आपको मैं दिखा दूँगी। अभी मेरे पास है नहीं, पीसी हुई रखी थी तो मैं डाल दे रही हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। ये मैंने डाल दी इसमें, और फिर ये थोड़ी ना चटपटी टाइप में होती हैं, तो आप हिसाब से डालें, मतलब ज़्यादा ना डालें कि फिर आप खाना पाए। ये मेरा होगा एक चम्मच होगा, मैंने जो डाली है मिर्चें एक चम्मच मिर्चें होंगी, ये ज़्यादा चरपरा भी नहीं होगा इससे। नहीं मैंने मिला के रखा है गरी का बुरादा और बादाम पिसे हुए, तो ये मैं सारा कुछ इसी में मिला दूँगी, इसी में मिला दूँगी। क्योंकि फिर मैं कुछ चीनी वगैरह भी, मतलब आप अगर बूरा डालना चाहें तो बूरा डाल सकते हैं, चीनी डालना चाहें तो चीनी डाल सके, और आपको दिखाऊंगी। ये सारा सामान मैं इकट्ठा करके रख रही हूँ इसमें। फिर क्या है कि जी मेवा के लड्डुओं में जितनी भी मेवा होती हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे उतनी आपको स्वादिष्ट लगेंगे, कि आप एक बार आएंगे तो बार बार बनाने की सोचेंगे कि बनेंगे। ये पिस गए हैं देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पिसके हो गए हैं, मखाने तैयार। अब ये मैं उसी में मिलाऊंगी जिसमें मैंने सारा सामान मिला के रखा है। ये मैंने मखाने पीस लिए हैं, थोड़ी सी दर दरी से कर लिए मैंने, और बस अब मैं कुछ चीनी पीसूंगी इसमें, अभी दिखाती हूँ। ये मैं इसी में ये पीस ले रही हूँ चीनी, ये इसी में चीनी पीस ले रही हूँ। फिर अपने मिक्सी है अगर आपके पास तो चीनी भी पीस सकते हैं। ये पिस गई है चीनी हमारी, देख सकते हैं भूरा बन गया इसका, ये भूरा बन गया है सब मिक्स करके। तो ये मैं पलट ले रही हूँ इसमें, इसमें इसमें बेसन गरी और मतलब बादाम वगैरह पिसे हुए हैं, इसमें सारे मिक्स कर दिए मैंने। बस इसी में ये मखाने भी पिसे हुए डाल दूँगी, और इसी में मैं ये डाल दे रही हूँ किशमिश, ये किशमिश में इसी में डाल दे रही हूँ। और बादाम वगैरह तो मैंने पीस लिए थे,
और इसी में मैं ये डाल दे रही हूँ चीनी जो मैंने पीसी है। इसमें रखा है ये घी और मैं ये कर ले रही हूँ गैस पे गरम, और बस गरम हो जाएगा तो ये घी भी डालूँगी। और मैंने ये भूंजा है गोंद, ये पीस के देख सकते हैं आप कैसा हो गया पिस का, और ये भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। गोंद तेल में भूंजा था, घी ज़्यादा नहीं था और फिर घी में भून जाए गोंद को, तो जितना ही डालो उतना ही कम है गोंद। और ये मैं गर्मियों में बना रही हूँ इसलिए इसमें और चीज़ वगैरह ना डालिए ज़्यादा, तो जो सर्दियों में बनते हैं उसमें सॉल्ट वगैरह भी पड़ती है। मैंने इसमें सॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाली, न सॉल्ट डाली है न वैसी और चीज़ें गर्म होती है वो डाली है, चीनी का बनाया है। ये मैंने सारा गोंद इसमें मिला लिया और चीनी भी मिला ली। अब इसमें ये डालूंगी मैं घी, ये देख सकते हैं अब इसमें मैं घी डालूंगी। ये मैंने इसमें और डाल लिया घी, और अब मैं देख रही हूँ ये बस अब मिला ले रही हूँ मैं। ये मैंने इसमें मिला लिया है घी भी मिला लिया है, बस अब मैं दोनों हाथों से बना के रखूँगी अब लड्डू। ये देख सकते हैं आप ऐसे बनेंगे, और अपने उसके ऊपर है जैसा भी आप बनाना चाहें। हमारा तो आधे किलो बेसन था और मतलब थोड़ी थोड़ी सब चीज़ थी, आप अगर ज़्यादा भी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। बस खा के टेस्ट करके बताइए मेरे को किस तरीका के बने हैं, और बिन खोया के ही बने हैं, इतने बढ़िया लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। बाबू के पापा ने तो टेस्ट भी करके देख लिए। और बस हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ये हमारे बन के हो गए हैं लड्डू तैयार, बस मैं रख दे रही हूँ इस डिब्बे में, रख दे रही हूँ स्टॉक में, बस अपने जी चाहे तब खा सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं ये, सर दर्द वगैरह कुछ भी नहीं दिक्कत होगी। आप लैपटॉप वगैरह पर काम भी करते हैं तो अभी इसमें दक्षिणी मिर्चें और घी पड़ा हुआ है, बहुत ही फ़ायदेमंद करेंगे। और आप कितना भी आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है तो आप ये दो लड्डू इसमें से रोज़ खा सकते हैं खाली पेट, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। तो इसलिए ये रख रही हूँ इस डिब्बे में, रख दिए हैं भर के। अब इसमें आप मतलब ख़राब होने की तो कोई चीज़ ही नहीं पड़ी है इसमें, जो आपके ख़राब हो सकते हैं चाहे 15 दिन तक रखे रहें और खाते रहें आराम से, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगे ये आपको। अगर हमारी वीडियो लड्डू की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान से करें, और आप एक बार ज़रूर बनाएं और आप खा के देखें, और आपकी कमज़ोरी बिल्कुल ही दूर भाग जाएगी। बिन खोए के ये बनाए हैं हमने लड्डू।